नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि सबसे पहले न्यूरॉन को समझिए आप कि व्हाट इज़ द न्यूरॉन। तो द न्यूरॉन इज़ द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि कोई भी पर्सन की जो नर्वस सिस्टम का बेसिक वर्किंग यूनिट जो का है, कि जैसे हमने टाइटल स्लाइड को जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी वक्त ये समझाया था कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनल यूनिट हमारा सेल है, वैसे ही नर्वस सिस्टम का वर्किंग यूनिट है नर्व सेल। कि जैसे हम किडनी के अंदर हम देखते हैं कि नेफ्रॉन बन जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी, वैसे ही नर्व सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट बन जाते हैं नर्वस सिस्टम के, कि जो डिज़ाइन करते हैं हमारे न्यूरॉन। सो इन द नर्वस सिस्टम द न्यूरॉन इज़ द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड सेल डिज़ाइन टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे स्पेशलाइज सेल है कि वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन कि ये देखो आपके पास न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल। तो ये नर्व सेल क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा कि नर्व सेल से लेकर एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल की ओर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, या फिर ये नर्व सेल मसल की ओर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है, या फिर यही न्यूरॉन अलग अलग ग्लैंड्स की ओर भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। तो नर्व से नर्व सेल, मसल्स या फिर अलग अलग ग्लैंड्स के सेल की ओर ये इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है थ्रू दिस नर्व सेल। मतलब कि एक नर्व सेल उसके पास रहा दूसरे नर्व सेल को भी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, ऐसे जो पूरा नेटवर्क है वो पहुंचेगा वो पर्टिकुलर मसल्स के पास या फिर पर्टिकुलर कोई ग्लैंड के सेल के पास, कि वहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंची जाती है और तुरंत उसके रिलेटेड रिस्पांस भी हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की ओर पहुँचते और तुरंत जो पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्स जो जनरेट होते हैं वो भी जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे है सेंस ऑर्गन और फिर उसके रिलेटेड समझो कि रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो सेंस ऑर्गन से एक जो नर्व जाती है वो चली जाएगी हमारे CNS की तरफ, कि CNS से ये जो सेंस है सेंसर इन्फॉर्मेशन लेकर जो नर्व है कि जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व, वो पहुँचती है CNS की ओर और फिर CNS में उसका इंटरप्रिटेशन होके जो भी हमें रिस्पांस देना है उसके रिलेटेड जो रिस्पांस देने के लिए मोटर न्यूरॉन तुरंत ही काम पे लग जाएगी और ये जो स्टिम्युलेशन या फिर जो सेंसेशन था उसके रिलेटेड जो भी रिस्पांस जनरेट हुए वो तुरंत ही मोटर न्यूरॉन थ्रू वही ऑर्गन तक वापस पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो न्यूरॉन्स का, तो ये जो नर्व सेल है उसके अंदर आप देखो तो उसके दो पार्ट मेन बन जाते हैं। तो यहाँ से मैं एक उसका दो पोर्शन में उसको डिवाइड करूँ तो ये ऊपर का जो एक पोर्शन अलग से होगा और ये नीचे वाला। तो ऊपर का पोर्शन जो है वो उसकी बॉडी है कि जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और नीचे का जो पोर्शन बन जाता है उसको कई बार हम कहते हैं टेल, कि जो टेल जैसा वो स्ट्रक्चर बन जाता है ये पूरी कि उसकी बॉडी या फिर उसका जो हेड भी कह सकते हैं कई बार, हेड और नीचे का उसका पोर्शन टेल। तो हेड के अंदर या फिर देखेगा उसकी जो मेन बॉडी है वहाँ पे सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के आसपास आपको ग्रैन्यूल्स जैसे देखने को मिलेगा वो है नीसल्स ग्रैन्यूल, कि वो आपके लिए मोस्ट IMP पॉइंट है फॉर MCQ, विच टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स आर अवेलेबल इन सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन सेल। तो इट इज़ ए
निसल्स ग्रैन्यूल कहे जाते हैं। और उसके अलावा आप देखोगे ये वाला पोर्शन और ये जो ब्रांचेस जैसा तैयार हो रहा है तो उसको कहा जाता है डेंड्राइट्स की, जब ब्रांचेस जैसा जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और नीचे की ओर आप देखोगे अब कि ये वाला तो अपर पोर्शन और नीचे के साइड आप देखेंगे ये वहाँ पे, तो ये जो आप ब्लैक डॉट्स जैसा देख रहे हैं वो है स्वान सेल की एक टाइप के, वो ग्लियल सेल है कि जो सपोर्टिव सेल है। फिर एक्सॉन, माइलिन सीथ, नोड ऑफ रेनवियर की जो ऐसे हो रहा है ये जो एक न्यूरॉन है तो उसके ऊपर ऐसा एक एनवेलॉप है जैसा है, प्लस सेकंड उसके ऊपर भी ऐसा है। तो ये जो बीच में जो नोड तैयार होती है उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर की। एक जो वायर तो पूरा जा ही रहा है बट उसके ऊपर अलग अलग जगह पे ऐसे स्ट्रक्चर है, तो जहाँ पे ये जो एंड होती है वो कही जाती है नोड की, नोड ऑफ रेनवियर। तो न्यूरॉन्स आर सेल विद इन द नर्वस सिस्टम दैट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल्स, मसल्स और द ग्लैंड सेल। तो माइलिन का जो सीथ है वो इस तरह से होता है कि जैसे कोई कॉपर का वायर है तो ये कॉपर के वायर के ऊपर प्रॉपर उसके कोटिंग होता है कि लाइक रबर का कोटिंग होता है या फिर प्लास्टिक मटेरियल का कोटिंग होता है, ऐसे ही ये न्यूरॉन सेल के एक्सॉन का जो प्रोटेक्शन के लिए कि ये भी एक टाइप का वायर जैसा ही है, तो ये वायरिंग के ऊपर जो माइलिन के सीथ का एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा जो है वो तैयार होता आप देख सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं माइलिन सीथ। तो मोस्ट न्यूरॉन हैव ए सेल बॉडी एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, तो मेन तीन उसके पार्ट एक है उसकी सेल की बॉडी, फिर एक्सॉन का पार्ट कि ये उसकी सेल बॉडी, फिर ये एक्सॉन ये वाला एंड डेंड्राइट्स की ये वाली जो ब्रांचेस बनती है वो उसके डेंड्राइट्स। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल। आगे सीखते हैं ग्लियल सेल की, ग्लियल सेल की जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं सपोर्टिव सेल, सपोर्टिव सेल की जैसे कोई यूनिट कोई प्रोजेक्ट पे काम करता है तो साथ में एक सपोर्टिव स्टाफ होता है कि मेन हेड तो होते ही है प्रोजेक्ट के या फिर किसी काम के लिए जो मेन हेड होते हैं उसके साथ दूसरे सपोर्टिव स्टाफ होते हैं कि जो उनको हेल्प करते हैं उनके काम के अंदर। वैसे ही जो न्यूरॉन है न्यूरॉन के साथ अलग अलग सपोर्टिव सेल है कि जो उसको हेल्प करते हैं उसके फंक्शन में, तो वो है ये ग्लियल सेल कि वो दोनों टाइप के अंदर इन्वॉल्व है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज सेंट्रल। तो ये न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लिया सेल्स रिप्रेजेंट द मोस्ट न्यूमेरस सेल फैमिली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ 5 to 10 ग्लियल सेल पर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के अंदर 1 न्यूरॉन इज इक्वल टू 5 to 10 ग्लियल सेल। एक न्यूरॉन के अंदर एटलीस्ट 5 से लेकर 10 जितने ग्लियल सेल प्रेजेंट होते हैं एंड पर न्यूरॉन और 350 बिलियंस सेल पर ब्रेन। तो ये स्टेटिस्टिक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, तो ये स्टेटिस्टिक्स आप अच्छे से याद रखिए रिगार्डिंग न्यूरोग्लिया सेल। तो अब जानते हैं वो सेल्स के नाम देखो, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे सैटेलाइट होते हैं वैसे ही सेम सैटेलाइट सेल एंड स्वान सेल प्रेजेंट होते कि जो हमने अभी प्रीवियस डायग्राम के अंदर भी देखा स्वान सेल प्रेजेंट थे न्यूरॉन के अंदर। CNS के अंदर आप देखो तो माइक्रोग्लिया ये वाला, सेकंड एपेंडिमल सेल, फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। तो MCQ के लिए भी ये सभी का नाम आपको याद रखना जरूरी है कि ग्लियल सेल की एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। इवन जब वाइवा कंडक्ट होते तो वाइवा के अंदर भी ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द
ग्लियल सेल। और जानते हैं उसके बारे में कि ग्लियल सेल रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ग्लियल सेल के पास ऐसी